अभी आपने कहा अपराधियों को पकड़ने की नीति है भगवंत मान सरकार की, तो अमृतपाल कब तक पकड़ा जाएगा? 80,000 पुलिस वाले हैं पंजाब में, क्या कर रही है भगवंत सरकार और पुलिसकर्मी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की लापरवाही उसमें होगी तो उसको भी सरकार देखेगी जी। ये तो जो मामला उन्होंने शुरू किया एक बड़ी सफलता है कि शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और कानून के उससे तो मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे। सरकार की अगर मंशा ठीक है तो जो भी अपराधी है या कोई भी दोषी है जो गलत काम कर रहा है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेता है, पकड़ा जाए। चलिए दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं आम आदमी पार्टी की। इन्हीं दो मंत्रालयों के मंत्री जेल में हैं, तो क्या उपलब्धियां हैं ये आम आदमी? उपलब्धि तो है ही, उपलब्धि थी तभी इन्हीं मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया ताकि, तो ये जानबूझकर उन मंत्रियों को डाला गया है। ये तो बिल्कुल सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य वहाँ पर हुए जी। जो बच्चे हैं अच्छे रिजल्ट वहाँ पर आए, जो टीचर्स हैं उनको बाहर भेजा जाता है कि ताकि वो विदेश से बेहतरीन जो प्रैक्टिसेस हैं वो सीख करके आए, यहाँ के बच्चों को सिखाने का काम करें ताकि बच्चों को इतना मजबूत कर दें, उनको ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो दुनिया में जा करके हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष का नाम रोशन करें। लेकिन उन्हीं के ऊपर वही रडार पे थे और इसीलिए दोनों मंत्री अंदर हैं। तो हमें तो कानून पे विश्वास है और हमें यकीन है कि आने वाले समय में वो, अभी तो कोई सबूत तो किसी के खिलाफ मिला नहीं दोनों के खिलाफ जी। बहुत रेड मारी गई, भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ तो 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं।